हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा स्किन टाइटनिंग फेस मास्क जिसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। स्किन पर झुर्रियाँ पड़ना और स्किन का ढीला पड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये समस्या समय से पहले होने लगे तो स्किन अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, जिससे स्किन लूज होने लगती है और झुर्रियों की समस्या होने लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा स्किन टाइटनिंग फेस मास्क जिसका अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो बस कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी स्किन पहले की तरह टाइट हो जाएगी। स्किन से झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और दाग धब्बे भी जड़ से गायब हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में स्किन को ठंडक देने वाले गुण होते हैं जो स्किन पर होने वाली सूजन को दूर करते हैं। एलोवेरा के इस्तेमाल से स्किन पर होने वाले सनबर्न को भी दूर किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से स्किन हमेशा मॉइस्चराइज बनी रहती है और ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। समय से पहले जो स्किन पर बुढ़ापा आ जाता है, स्किन लटक जाती है, चेहरे पर रिंकल्स हो जाते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। स्किन के लिए नारियल तेल को काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। नारियल तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड भी पाया जाता है जो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। नारियल तेल लगाने से चेहरा मॉइस्चराइज रहता है और चेहरे पर चमक भी आती है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो नारियल तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ नारियल तेल की मसाज करते हैं तो स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आती, स्किन को एंटी एजिंग गुण भी मिलते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच शहद। स्किन पर मुहासे हो या फिर स्किन पर झुर्रियाँ हो, स्किन की कई सारी परेशानियों को शहद दूर करता है। शहद हमारी सेहत के लिए तो काफ़ी लाभदायक है, साथ ही स्किन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सनबर्न से छुटकारा दिलाता है और स्किन को टाइट भी करता है। शहद के इस्तेमाल से स्किन हाइड्रेट होती है जिससे आपको एक नेचुरल और ग्लोइंग स्किन पाने में मदद मिलती है। इसके बाद इसमें एक चम्मच बेसन ऐड कर देना है। हमारी दादी नानी के टाइम से बल्कि उससे भी पहले से बेसन का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए किया जाता रहा है। बेसन स्किन से डेड सेल्स को निखारने के साथ ही स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाता है। बेसन स्किन पर एक मैजिक की तरह काम करता है। बेसन चेहरे से गंदगी को हटाता है, एक्सेस ऑयल को भी दूर करता है और स्किन पर जो टैनिंग हो जाती है उसे दूर करने में भी बेसन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। बेसन के इस्तेमाल से स्किन पर जो झुर्रियाँ हो जाती है वो दूर होने लगती है और धीरे धीरे स्किन टाइट होने लगती है। इसके बाद इसमें दूध ऐड कर देना है। दूध में होता है लैक्टिक एसिड जो स्किन की रंगत को साफ करता है और स्किन टाइटनिंग का काम भी करता है। दूध के इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या दूर होती है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और एक फेस पैक तैयार कर लेना है। इसके बाद अपने क्लीन फेस पर इसे अच्छे से लगा लें। गर्दन पर और हाथों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें और फिर फेस को वॉश कर लें और इसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए वीक में 2 से 3 बार आप इस स्किन टाइटनिंग फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, खूब सारा पानी पिएं, खुश रहें, भरपूर मात्रा में नींद लें और अपनी सेल्फ केयर करें। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।